वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं रिव्यू करने वाली हूँ ममा अर्थ के एक बहुत ही जाने माने और पॉपुलर प्रोडक्ट का, जो कि है ममा अर्थ का C3 फेस मास्क। C3 इसलिए क्योंकि इसमें है चारकोल, कॉफी और क्ले। और इस प्रोडक्ट को परचेस करने के पीछे जो मेरा रीजन था वो ये था कि ये प्रोडक्ट जो है ये क्लेम करता है कि इट ब्राइटेंस एंड टाइटेंस योर स्किन एंड इट रिड्यूसेस एक्ने एंड पिंपल्स। तो मैंने इस मास्क को परचेस किया था कुछ 1 मंथ पहले और मैं इसको यूज कर चुकी हूँ 4 टाइम्स, मतलब 4 बार मैंने इसको यूज किया है। तो कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस, मतलब मेरा ऑनेस्ट एक्सपीरियंस, मैं आज आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसा है ये मास्क और जो ये क्लेम करता है क्या ये उस क्राइटेरिया पे खड़ा उतरता है, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव साबित होने वाला है। एंड गाइज, एक बात मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि ये जो वीडियो है ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। इस मास्क को मैंने खुद अपने पैसों से ही परचेस किया है और आज जो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये बिल्कुल मेरा ऑनेस्ट एक्सपीरियंस है। This C3 face mask contains aqua, alcohol, cocoa butter, apricot oil, kaolin, magnesium carbonate, mulberry extracts, cucumber extracts, papaya extracts, basil oil, peppermint oil, eucalyptus oil, chamomile extracts. It also has glycolic acid, citric acid, caffeine and activated charcoal powder. क्वांटिटी आपको मिल जाती है 100 ml और इसकी शेल्फ वैल्यू है फॉर 3 ईयर्स। और जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि ममा अर्थ के सभी प्रोडक्ट्स होते हैं पैराबेन एंड सिलिकॉन फ्री। ये प्रोडक्ट है हाइपो एलर्जेनिक और ये आता है विद बायो एक्टिव्स और ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड प्रोडक्ट है। This face mask claims that it brightens and tightens your skin, it reduces acne and pimples and make your skin healthy and glowing. प्रोडक्ट आता है अपनी स्टैंडर्ड पैकेजिंग में। इसके सभी फेस मास्क और हेयर मास्क इसी तरह की पैकेजिंग में आते हैं। बाहर का जो आउटर बॉक्स है उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और अंदर आपको मिलता है ये प्लास्टिक का व्हाइट कलर का जार। प्रोडक्ट के साथ आपको मिलेगा एक स्पैटुला एप्लीकेशन के लिए और ये जो प्रोडक्ट है इसके ऊपर आपको एक प्रोटेक्टिव लिड मिलती है जो कि इस प्रोडक्ट को हाइजीन रखती है, बट अगर आपके नेल्स बड़े हैं तो आपको इसको रिमूव करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। प्रोडक्ट की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गूई है, आप देख सकते हैं कि ये ब्लैक चारकोल कलर का प्रोडक्ट है और इसको स्प्रेड करने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि ये स्प्रेड तो होता है बट आपकी स्किन पे अच्छे से स्टिक नहीं होता है, तो आपको इसको लेयरिंग करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। इस फेस मास्क को अप्लाई करने से पहले आप अपने फेस को अच्छे से वॉश करें और फिर इस फेस मास्क की एक थिक लेयर आपको अपने फेस पे लगानी है। आप देख सकते हैं कि मेरी स्किन पे अभी आपको इस वक्त काफी एक्ने और पिंपल्स दिख जाएंगे। इस फेस मास्क को आप स्पैटुला की हेल्प से भी लगा सकते हैं, लेकिन स्पैटुला की हेल्प से लगाना इसको थोड़ा सा मुश्किल लगता है, इसलिए मैं इसे अपनी फिंगर से ही अप्लाई करना पसंद करती हूँ। इस फेस मास्क से पेपरमिंट जैसी मिंटी स्मेल आती है जो कि काफी सूदिंग लगती है और अप्लाई करने के साथ ही ये जो फेस मास्क है ये आपको काफी कूलिंग सेंसेशन देता है। इस फेस मास्क में है एक्टिवेटेड चारकोल जो कि आपकी डेड स्किन को रिमूव करके आपके पोर्स को टाइटन करते हैं और इसके अलावा आपको इसमें मिल जाता है मलबरी, ककंबर और पपाया जो कि आपकी स्किन को काफी अच्छे से नरिश करते हैं। आप इस फेस मास्क को 15 मिनट्स या ड्राई होने तक अपने फेस पे रखें और जब आप इसको रिमूव करें तो इस तरह से सर्कुलर मोशन में घुमाते हुए इसे रिमूव करें ताकि आपकी स्किन से जितनी भी डेड स्किन की लेयर है वो निकल जाए और आपकी स्किन एकदम रिफ्रेशिंग फील करे। ये आपकी स्किन को एक्सफोलिएट भी करेगा और फिर आप नॉर्मल वाटर से अपने फेस को वॉश कर लें। सो गाइज, अगर बात करें इस मास्क के पॉजिटिव पॉइंट्स की तो सबसे पहली बात की चारकोल और कॉफी फेस मास्क होने के बावजूद भी ये आपकी स्किन को बिल्कुल भी ड्राई नहीं करता है। जब भी आप इस फेस मास्क को अप्लाई करेंगे तो आपको अपनी स्किन बिल्कुल भी ड्राई और खिंची खिंची नहीं लगेगी, इनफैक्ट काफी सफल लगेगी आपको अपनी स्किन। और दूसरी बात की इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो काफी मिंटी फ्रेग्रेंस है और काफी सूदिंग फ्रेग्रेंस है। इसके अलावा जब भी आप इस फेस मास्क को अपने फेस पे अप्लाई करेंगे तो आपको एक कूलिंग सेंसेशन जो है वो महसूस होगा, तो अगर आप इसको समर में ट्राई करते हैं तो ये काफी बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। फेस मास्क एक्ट्स एज अ वेरी गुड एक्सफोलिएंट आल्सो, ये आपकी स्किन को क्लीन करने के साथ-साथ उसको एक्सफोलिएट भी करता है। और जहां तक बात रही स्किन को टाइटन करने की तो आप देखेंगे कि आपके जो पोर्स है वो आपको काफी टाइटन नजर आएंगे। और अगर हम बात करें इस फेस मास्क के क्लेम्स की तो इसका सबसे पहला जो क्लेम है कि इट ब्राइटेंस एंड टाइटेंस योर स्किन। तो जहां तक स्किन टाइटनिंग की बात है ये आपके पोर्स को टाइटन करता है, आपके पोर्स को श्रिंक करता है, आप फर्स्ट टाइम पे ही इसका विजिबल इफेक्ट जो है वो देख सकते हैं। और जहां तक बात रही स्किन की ब्राइटनिंग की तो ऐसा ये मास्क कुछ भी नहीं करता है, ये आपके फेस को कुछ भी ज्यादा ब्राइटन या लाइटन नहीं बनाता है, शाइनी नहीं बनाता है, ये आपकी स्किन को सिर्फ क्लीन, सॉफ्ट और सफल बनाता है। और इसका दूसरा क्लेम कि इट रिड्यूसेस योर एक्ने एंड पिंपल्स, और बिलीव मी गाइस, मैंने इस मास्क को यूज किया है वंस इन अ वीक फॉर 4 वीक्स और इसने ऐसा कोई भी बहुत ज्यादा जो कहते हैं ना असर नहीं दिखाया है मेरे एक्ने पे या मेरे पिंपल्स पे। स्टिल
स्टिल मेरे फेस पे आपको थोड़े बहुत जो पिंपल्स है वो उभरते हुए नजर आ जाएंगे, मतलब कि एक्ने और पिंपल्स पे ये बिल्कुल भी काम नहीं करता है। अगेन ये आपकी स्किन को क्लीन कर देगा, डेड स्किन को रिमूव कर देगा, बट ऑयल प्रोडक्शन को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता है। ना तो ये फेस मास्क काम करता है हाइपर पिगमेंटेशन पे, ना ही ब्लेमिशेस पे, और ना ही ये दूर करता है डार्क स्पॉट्स को। एंड गाइज एक चीज मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूंगी, अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है और आपको पिंपल्स और एक्ने की प्रॉब्लम होती है तो कभी कभी ये जो मास्क है ये इतना ज्यादा कूलिंग सेंसेशन क्रिएट करता है, तो हो सकता है कि आपको रेडनिंग वगैरह की या इचिंग वगैरह की प्रॉब्लम हो जाए। बात करूं अगर मेरे ओवरऑल एक्सपीरियंस की इस फेस मास्क के साथ, तो इस फेस मास्क को खरीदने के पीछे मेरा जो पर्पस था वो यही था कि मेरी जो स्किन है वो कॉम्बिनेशन स्किन है और मुझे एक्ने और पिंपल्स की काफी प्रॉब्लम होती रहती है। तो मैंने इस प्रोडक्ट को परचेस इसीलिए किया था कि मेरी ये जो प्रॉब्लम है ये थोड़ी कंट्रोल में आ जाए। बट क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है ये ऐसा कुछ भी नहीं करता है, ये सिर्फ आपकी स्किन को क्लीन कर देगा, आपकी डेड स्किन को रिमूव कर देगा, आपके पोर्स को टाइटन करेगा, तो उसके लिए आई डोंट थिंक कि 599 रुपीस खर्च करना इज अ वेरी गुड डील, बिकॉज आपको इससे काफी कम पैसों में, काफी अफोर्डेबल बजट में काफी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे जो इससे ज्यादा इफेक्टिव साबित होंगे। इससे ज्यादा तो कई बार होम रेमेडीज ज्यादा असरदार साबित होती है इस फेस मास्क के मुकाबले। और आप इस प्रोडक्ट से कोई बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस जो है वो आपकी स्किन में नहीं आएगा, कोई बहुत ज्यादा चेंज जो है वो आपकी स्किन में नहीं आएगा, इट इज जस्ट अ नॉर्मल फेस मास्क। बट गाइज दिस वॉज टोटली माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड माई ओपिनियन अबाउट दिस प्रोडक्ट। अगर आप इस फेस मास्क को यूज करके देखना चाहते हैं तो डू गिव इट अ ट्राई, एक बार यूज करके जरूर देखें, और कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। गाइस दिस वाज माय टुडेज रिव्यू वीडियो एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव साबित होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। एंड गाइस अगर अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आती रहती हूं। एंड अब आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, और आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप डायरेक्टली 1-on-1 मुझसे वहां पे पूछ सकते हैं। सो गाइस मैं मिलती हूं आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड Be beautifully best.